हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और वर्ष 2003 से मैं न्यायिक सेवा यानी जुडिशियल सर्विसेज के लिए मार्गदर्शन देता आ रहा हूं। विगत कई वर्षों से हमारे समाज में आपसी भाईचारा टूट रहा है, एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी आ रही है। लोग एक दूसरे को जाति और धर्म के आधार पर शक और संदेह की नज़र से देख रहे हैं। ऐसे में ये जो वर्ग आधारित, समूह आधारित नफरत होती है वो बड़ी विभत्स न कहीं साबित हो जाए समाज के लिए, इसलिए इसे रोकने की जिम्मेदारी हर किसी अमन पसंद, भाईचारा चाहने वाले व्यक्ति पर होती है। अपने इसी फर्ज को निभाने के लिए आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं कि मुसलमान और ब्राह्मण कितने दोस्त हैं, मुसलमानों और ब्राह्मणों की इतिहास में कब कब दोस्ती रही है, मैं आज इस पर चर्चा करूंगा। यह चर्चा मैं शुरू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, तो मैं भाईचारा शुरू करने की चर्चा सबसे पहले अपनी ही जात से करूँ, ये ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि अन्य लोगों को प्रेरणा मिले कि वो सब लोग एक दूसरे से भाईचारा वाला इतिहास खोजें और सामने रखें। अर्थात ब्राह्मणों और मुसलमानों की दोस्ती का इतिहास दिखाने की इस वीडियो को प्रस्तुत करने के पीछे मेरा ये भाव कदापि नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण और मुसलमानों की ही दोस्ती रही है और वही स्थापित हो, वही दिखाई दे, बल्कि इसका मकसद ये है कि हम जिस किसी से कहीं नफरत दिखाई दे रही हो उससे अपने दोस्ती के इतिहास के पन्नों को खोलें और इस तरह से बिगड़ते रिश्तों को सुधारें। तो आइए, बोर्ड पर जो तस्वीर लगी है तीन महान क्रांतिकारी नायकों की है। बीच में आपको दिख रहे हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इनके दाहिनी तरफ हैं अशफाकुल्ला खान और इनकी बाईं तरफ हैं शहीद रोशन सिंह। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक पठान, दो हिंदू, एक मुसलमान। इन लोगों के मन में कभी सपने में ये बात नहीं रही होगी कि जिस मुल्क को ये लोग साथ में मिलकर आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं वो मुल्क कभी हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंट जाएगा। जो नफरत में डूब गए, देश को बांट लिए, उनकी राह पर तो हम चल नहीं सकते। हम तो उसी राह पर चलेंगे जहाँ पर भाईचारा हो, जहाँ वसुधैव कुटुंबकम हो, जहाँ सबको एक साथ लेकर चलने की बात हो, और यही हमारी संस्कृति रही है। भारत इसीलिए विश्वगुरु के रूप में जाना जाता है, भारत से दुनिया यही सीखती है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आगे मुस्लिम और ब्राह्मण की दोस्ती को दिखाऊं, इसके लिए मैं कुछ आगे की क्लिप्स पर चलता हूं। आप देख रहे हैं प्रथम शहीद मंगल पांडे जी को, क्रांति को आरंभ करते हैं मई 1857 में, जो पहला विद्रोह करते हैं अंग्रेजों की सरकार से, बगावत करते हैं, और जिसके बाद उस बगावती फेवर के कारण मंगल पांडे जी को शहीद होना पड़ता है। इनको तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया जाता है। जब ये ऐसा शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, चरम वीरता का प्रदर्शन करते हैं, तो इनके साथी सैनिकों में जोश भर आता है और इनके बलिदान से वह और ज़्यादा तेज हो जाता है, जिससे कि अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दमन के खिलाफ वे हथियार उठा लेते हैं और सब दिल्ली चले जाते हैं तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व देने। उनसे पुकार करते हैं कि आप ही हमारे बादशाह हैं, हम अंग्रेजों को नहीं मानते, आप नेतृत्व करिए। अति वृद्ध आयु की अवस्था में भी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। इनके पास दो विकल्प थे। एक विकल्प तो ये था कि अंग्रेजों के पेंशन याफ्ता के रूप में बड़े आराम की जिंदगी ये काट रहे थे। 1764 से 1764 से बक्सर के युद्ध के बाद से ही, शाह आलम द्वितीय के समय से, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह के अधिकार सीमित कर दिए थे। बाद में आगे चल करके 1764 के बाद पेंशन याफ्ता बना लिया था। ये चाहते तो बड़े आराम से अंग्रेजों की सुरक्षा में तो एकदम महफूज थे, विद्रोहकारियों को मना कर देते और खूब आराम से सुबह शाम
शेरो शायरी गजल मुशायरा गीत संगीत का आनंद लेते रहते, राजा थे ही। यानी इनको कोई सुरक्षा का कार्य करना नहीं था, युद्ध लड़ने जाना नहीं था और राजपद का पूरा भोग करना था। बस अंग्रेज इनके नाम पर लूटा करते थे उस समय, जिससे इनकी जनता जो इनसे शिकायत कर रही थी उससे चिंतित थे। और जब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तब ये भी विद्रोह के लिए खड़े हो गए। इस प्रकार मंगल पांडे के द्वारा जो 1857 की क्रांति की ज्वाला जगाई गई उसमें मुगल बादशाह का साथ मिला। आप ये अगली तस्वीर देख रहे हैं तात्या टोपे की, ये भी ब्राह्मण हैं और ये कानपुर में उस समय सत्ता चला रहे थे। इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। अगर मोटे अर्थों में कहा जाए तो 1857 का विद्रोह करने वाले लगभग सभी नायक ब्राह्मण और मुसलमान थे। एक कुंवर बहादुर सिंह जो जगदीशपुर आज बिहार में पड़ता है से बगावत कर रहे थे, वही एक क्षत्रिय थे जो हमारे गृह जनपद आजमगढ़ मऊ तक लड़ते हुए आए थे और वहीं सबसे अधिक उम्र के आयु में शहीद हुए थे। बहादुर शाह जफर युद्ध नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपना खजाना दिया था क्योंकि वो युद्ध करने की अवस्था में नहीं थे, लेकिन कुंवर बाबू कुंवर सिंह लड़ रहे थे बिहार में पूर्वी यूपी में। तो तात्या टोपे ये बाद में नेपाल के जंगलों में भाग जाते हैं, इन्हें अंग्रेज पकड़ नहीं पाते हैं जब इनका सारा राज्य और सारी सेना छिन्न भिन्न हो जाती है। ये आप देख रहे हैं अगले एक क्रांतिकारी को, खान बहादुर खान रोहिला। ये बरेली में थे और इन्होंने बहुत डट कर मुकाबला किया था अंग्रेजों का। अंग्रेजों का इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया था उस समय, जिससे कि लगभग इस उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों का राज समाप्त हो गया था। ये दो वीरांगनाएं आपको दिख रही हैं, ये हैं बेगम हजरत महल लखनऊ से और ये हैं रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। ये दोनों वीरांगनाएं अपने अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रही थीं। ये ब्राह्मण वीरांगना है और ये मुसलमान है। ये मुझे कहना पड़ रहा है सिर्फ इतिहास बताने के लिए, अन्यथा हमारे आदर्श पूर्वज किसी जाति धर्म के नहीं होते, वो हम सबके होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जितना ये हमारी हैं उतना ही ये भी हमारी हैं, उतना ही अन्य कोई क्रांतिकारी शहीद हमारा है। चाहे कोई उदारवादी मार्ग से लड़ रहा था वो भी हमारा है, कोई क्रांतिकारी मार्ग से लड़ रहा था वो भी हमारा पूर्वज है, कोई सामाजिक सुधारवादी आंदोलन के माध्यम से समाज की बुराइयों से लड़ रहा था वो भी हमारा है। ये सारे नायक, सारे आदर्शवादी पूर्वज हमारे हैं, हम सबके हैं। लेकिन क्योंकि आज मैं मुसलमान और ब्राह्मण की दोस्ती पर चर्चा कर रहा हूँ, इस नाते इन दोनों की जाति और धर्म को बताना जरूरी है। अगला चित्र है नाना साहेब पेशवा का। नाना साहब पेशवा बिठूर में थे और डलहौजी ने इनका राज हड़प लिया था क्योंकि ये बाजीराव पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। डलहौजी ने हड़प की जो नीति चलाई थी उसके अनुसार किसी के दत्तक पुत्र को पुत्र मान ही नहीं रहा था, तो उसमें सबसे बड़े दत्तक पुत्र तो यही थे, नाना साहब पेशवा धोदू पंथ जिनका नाम था। इनके ओर से ये एक नाम आप देखेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव में इनको छापा गया, फ्रीडम फाइटर अजीमुल्लाह खान। अजीमुल्लाह खान नाना साहब धोदू पंथ। अब मैं बार बार जाति नहीं बताऊंगा, हिंदू अगर है तो ब्राह्मण है और मुस्लिम मुस्लिम है। तो इस नाना साहेब ने अजीमुल्लाह खान को अपना प्रधान सलाहकार बनाया था और ये पेशवा की ओर से वकालत करने, वकालत का मतलब कोई बैरिस्टरी तो थी नहीं उस समय, लेकिन वकालत करने का मतलब पक्ष रखने, रानी विक्टोरिया से मिलने गए थे और उधर से फिर इटली और फ्रांस के लोगों से मिलते हुए आए थे, जिससे कि अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ विद्रोह किया जा सके। ये तलवारबाजी घुड़सवारी में बहुत निपुण थे, बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। 1857 की क्रांति में ये शहीद हुए नाना साहब पेशवा के साथ। अब
1857 के बाद के नायकों की मैं चर्चा करूंगा, वैसे तो मैं ये चर्चा पहले भी कर चुका हूं। जानबूझकर मैंने यहां तीन फोटो लगाई है, क्योंकि इन तीन क्रांतिकारियों में से दो को अलग करना बहुत गलत हो जाता, इसलिए मैंने तीनों क्रांतिकारियों की फोटो वाला चित्र खोजा और लगाया, क्योंकि इन तीनों क्रांतिकारियों को एक मामले में एक ही दिन पे फांसी लगी थी। इस मामले में 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई। क्षत्रिय, ब्राह्मण और मुसलमान, दो हिंदू एक मुसलमान, कितनी अच्छी इन लोगों की कितनी गहरी दोस्ती रही होगी। शायद ये लोग एक ही प्लेट में खाना खाते रहे होंगे कहीं बीहड़ में जब रुकते रहे होंगे। तो हमें इनसे सीखना है। अगली दोस्ती आज़ादी के पहले की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ये वो मौलाना साहब हैं जो पाकिस्तान के विभाजन पर कई दिनों तक अपने को घर में बंद कर लिए थे और विभाजन को अंतिम दम तक न रोकने के लिए महात्मा गांधी को दोषी माने थे। यानी कांग्रेस के नेताओं में से एक थे जो महात्मा गांधी को दोषी माने, और ये पाकिस्तान जाने से, पाकिस्तान का समर्थक बनने से हर कीमत पर मना किए। ये भारत के पहले मंत्रिपरिषद में शिक्षा मंत्री हैं। ये एक चित्र देखिए, इस चित्र में आपको महात्मा गांधी दिख रहे हैं, ये आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिख रहे हैं, ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल दिख रहे हैं, ये खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी जिनको कहा जाता है, जो लाल कुर्ती आंदोलन चला रहे थे बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, और इनके पीछे खड़े हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें सीमांत गांधी क्यों कहा जाता था, क्योंकि जैसे पूरे भारत में महात्मा गांधी लोकप्रिय थे, इनके कहने पर जनता सड़कों पर चल देती थी, वैसे ही बलूचिस्तान जो ब्रिटिश भारत का सीमांत प्रदेश था, उसके बाद अफगानिस्तान लगता है, वहाँ के ये बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और परम गांधीवादी थे। आज़ादी जब मिल गई और भारत पाकिस्तान दो टुकड़े में बट गया, तो पाकिस्तान की सरकार ने इनको जेल में बंद कर दिया, और 1988 में जेल में रहते हुए ही इनकी मृत्यु हुई। ये ताउम्र जेल में रखे गए जबकि पाकिस्तान इस्लामिक देश बना था। तो हे मेरे भाइयों, हे मेरे युवाओं, आप सच्चाई जानिए, आप इतिहास जानिए, सोचिए किसकी कीमत चुकाए। ये इस बात की कीमत चुकाए कि ये इस्लामिक राष्ट्र का विरोध कर रहे थे, तो हम क्या इनको मुसलमान न माने? हम जो विभाजन के समर्थन में खड़े मुसलमान थे उनको मुसलमान माने? और मैं मुसलमानों से भी कहता हूं कि वो इनको आदर्श मानेंगे कि जिन्ना को? हमारे देश में कोई जिन्ना को आदर्श नहीं मानता, लेकिन मैं दुनिया भर के मुसलमानों से बात कर रहा हूं। सीमांत गांधी को, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को, भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है। ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, नेल्सन मंडेला को दिया गया उसके बाद। तो ये बहुत महान चित्र है महान लोगों का, आप इससे जानिए कि किस तरह से समाज चल रहा था। ये एक चित्र सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए नेता किस तरह से आपस में रह रहे थे। तो अब हम चलते हैं आज़ादी के बाद के समय पर। ये तो आज़ादी के पहले का आपने दृश्य देखा, भारत को आज़ादी मिलती है, भारत पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट जाता है। भले ही पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बनता है, लेकिन बहुत से मुसलमान भारत में रहते हैं, वो भारत को पाकिस्तान से बेहतर मानते हैं, उनके पास च्वाइस होती है, लेकिन भारत में रुकते हैं, और भारत की सत्ता यहाँ के लोगों के हाथ में आती है। सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय देश की आज़ादी के बाद भारत में, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद माहौल एकदम शांत होता है और कांग्रेस का शासन शुरू होता है। मैं ब्राह्मण और मुसलमान की दोस्ती आज़ादी के बाद बताने के लिए अलग अलग पार्टियों की सरकारों के हिसाब से बात करूंगा। ये करना हमारी ज़रूरत है और व्यवस्था भी। तो पहले मैं आज़ादी के बाद से वर्ष 1989 तक की चर्चा करूंगा, जो एक लगातार कांग्रेस का शासनकाल चला है, बीच के ढाई वर्ष को छोड़कर 1977 से 1980। इस पूरे कालखंड के दौरान भारत की सरकार में प्रमुख भूमिका
ऊपर के जातियों में से ब्राह्मणों की थी और मुसलमान हमेशा से कांग्रेस के साथ था, दलित हमेशा से, आदिवासी हमेशा से कांग्रेस के साथ थे, क्योंकि तब कांग्रेस पूरे देश के स्तर पर एक बड़ी पार्टी थी। बहुत बड़ी तादाद में रियासतदार भी इस पार्टी में थे, चाहे अर्जुन सिंह जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों, और बहुत बड़ी तादाद में किसान लोग भी इसके साथ थे, ओबीसी लोग भी इसके साथ थे, यानी ये सबकी पार्टी थी। तो ये कहना कि केवल ब्राह्मण और मुसलमान साथ थे, ये ठीक तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में तो सब साथ थे। उस समय पर पूरे देश के स्वतंत्रता का नेतृत्व की थी, आज़ादी के लड़ाई का नेतृत्व की थी, इस नाते सबकी आस्था थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उस समय सत्ता सीधे सीधे ब्राह्मणों के हाथ में थी और मुसलमान उनका पूरा सहयोग कर रहा था, सारा राजनीतिक समर्थन मुसलमानों का इस ब्राह्मण सत्ता के साथ था। वर्ष 1989 में जब चुनाव होता है, उस समय बीपी सिंह जो पहले कांग्रेस के नेता थे, पहले रक्षा मंत्री रह चुके थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा करके कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और जनता दल एक बनाते हैं। विपक्ष के बहुत सारे नेता और कांग्रेस से टूटे नेता उस समय अलग होते हैं। भले ही उन्होंने अलग पार्टी बनाई, लेकिन उस समय भी भारत के मुसलमानों का बहुत बड़ा समर्थन कांग्रेस के ही साथ रहा, इस नाते कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। दूसरे नंबर पर जनता दल और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी 84 सीटों के साथ थी। कांग्रेस विपक्ष में बैठती है और बीपी सिंह को बीजेपी के समर्थन से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 11 महीने चलने के बाद सरकार गिर जाती है और कांग्रेस के समर्थन से, जनता दल से टूटकर समाजवादी जनता पार्टी बनकर चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनते हैं और समाजवादी जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव जी बीपी सिंह का साथ छोड़कर के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने रहते हैं। जिस समय वर्ष 1990 में 28 अक्टूबर और 4 नवंबर को अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चली थी, उस समय दिल्ली में बीपी सिंह की सरकार और उन्हीं की पार्टी की, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की सरकार और उन्हीं की पार्टी की जनता दल की, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी। अब आप सोचिए कि बीपी सिंह को समर्थन किसका था? आडवाणी जी का, अटल जी का, उन्हीं के दम पर बीपी सिंह चल रहे हैं और उन्हीं बीपी सिंह के दो छोटे नेता, मैं छोटा इसलिए कहूंगा कि प्रधानमंत्री बड़ा होता है, लालू प्रसाद यादव जी बिहार में मुख्यमंत्री हैं और मुलायम सिंह यादव जी यूपी में मुख्यमंत्री हैं जनता दल के, और मुख्य समर्थक पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रथ यात्रा चलाते हैं, बिहार चले जाते हैं गुजरात से, कार सेवा होनी थी अयोध्या में यूपी के बीच में लगभग सासाराम में, उनको गिरफ्तार किया जाता है। कौन किसको गिरफ्तार कर रहा था? जनता दल और भाजपा की मिली जुली सरकार है वहाँ। ठीक है कि बीजेपी सरकार में नहीं शामिल थी, बाहर से समर्थन दे रही थी। बीजेपी का सबसे बड़ा नेता रथ यात्रा चलाता है और जनता दल जिसकी प्रधानमंत्री उसी पार्टी के दम पर बैठे हैं, उस पार्टी का मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लेता है। ये मिली जुली नूरा कुश्ती नहीं हो सकती है? अब हथी की नहीं चिंतन आप करिएगा, लेकिन 28 अक्टूबर को पहले गोली चलती है अयोध्या में, दो लोग मर जाते हैं, पुलिस से कोई हाथापाई कहीं हो रही थी, 4 नवंबर को कार सेवा होनी थी, आडवाणी जी वहां गिरफ्तार हैं सासाराम में, वो बोलते हैं कि नहीं कार सेवा तो होगी, कार सेवा होती है, गोली चलाई जाती है कार सेवकों पर, वो कार सेवक भी कहे जा सकते हैं और कानून की निगाह से कहेंगे तो उपद्रवी कहे जा सकते हैं, कानून की निगाह से मैं कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां तो आस्था बहुत जल्दी छिन्न भिन्न हो जाती है। तो जो पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, लेकिन इसके लिए मुलायम सिंह यादव दोषी माने जाते हैं समाज में, और भाजपा 11 नवंबर को समर्थन वापस लेती है 7 दिन के बाद बीपी सिंह से, और बीपी सिंह सरकार गिर जाती है। बिहार में जनता दल की सरकार पूर्ण बहुमत में थी, लेकिन जब ये पार्टी दो फाड़ में बट गई चंद्रशेखर जी और बीपी सिंह के टुकड़े में, तब तो फिर मुलायम सिंह यादव जी के पास पूर्ण बहुमत नहीं बचा। पहले इनकी सरकार यहां पूर्ण बहुमत की यानी गैर बीजेपी समर्थन से चल रही थी। कांग्रेस दिल्ली में चंद्रशेखर जी को समर्थन देती है और उन्हीं की पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी चले जाते हैं समाजवादी जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर, कांग्रेस के समर्थन से वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने रहते हैं।
यानी अब मुलायम सिंह यादव जी को कांग्रेस का समर्थन मिल गया। जब कार सेवकों पर गोली चल गई है, वहीं पर भारत में मुस्लिम हिंदू राजनीति शुरू हो जाती है। मुसलमानों में ये भाव आता है कि मुलायम सिंह यादव ही उनके संरक्षक हैं जो हिंदुओं पर गोली चला सकते हैं, और मुसलमान चले जाते हैं मुलायम सिंह यादव जी के साथ, बिहार में चले जाते हैं लालू प्रसाद यादव जी के साथ। बाद में जब कांग्रेस समर्थन वापस ले लेती है, चंद्रशेखर जी की सरकार भी गिर जाती है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की भी सरकार चली जाती है, यहाँ चुनाव होता है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में आती है, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, क्योंकि उस समय तक कांशीराम जी का उदय हो जाता है और दलित चले जाते हैं बड़े पैमाने पर कांशीराम जी के साथ, ओबीसी बड़े पैमाने पर चले जाते हैं मुलायम सिंह यादव जी के साथ, और मुसलमान पूरे के पूरे चले जाते हैं मुलायम सिंह जी के साथ। हिंदू में ऊपरी जात के लोग, ब्राह्मण ठाकुर, लाला भूमिहार, सब चले जाते हैं भाजपा में, बीच की बनिया जाति चली जाती है भाजपा में, और तमाम ओबीसी जातियां और कुछ दलित जातियां भी चली जाती हैं भाजपा में। कांग्रेस समाप्त हो जाती है और पहली बार भारत की राजनीति में ब्राह्मण बीजेपी में और मुसलमान सपा बसपा या राजद में, मैं यूपी बिहार की भी बात कर रहा हूं, यहां बट जाता है। पहली बार ब्राह्मण और मुसलमान आजादी के बाद अलग अलग पार्टी में चले जाते हैं। उसके बाद से आज तक कभी छुटमुट बात छोड़ दीजिए, जैसे 2007 से 2012 तक जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा समर्थन उनके वोट के समय पर मिला था, और मुसलमानों का वोट बीजेपी के विरोध में बसपा के साथ था, लेकिन वो मुसलमान और ब्राह्मण मिलकर वोट नहीं कर रहे थे, यानी उनकी राजनीतिक दोस्ती नहीं थी। अब इस अलगाव से हुआ क्या? अब ये लाइन मैं बोल तो रहा हूं ब्राह्मणों के लिए, लेकिन अपने यादव मित्रों से चाहूंगा कि आप भी कान खोलकर सुनिएगा, मुसलमानों ने आपको भी वोट देकर खूब कुर्सी पर बैठाया है, और अपने दलित भाइयों से भी चाहूंगा कि आप भी कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि मायावती जी को भी वोट देकर के खूब सत्ता में बैठाया है। ब्राह्मणों ने जब मुसलमानों से अलग अपने को कर लिया, तब आज तक ब्राह्मण छात्र संघ का चुनाव जल्दी नहीं जीत पाते हैं, प्रधानी बहुत मुश्किल से कहीं कहीं जीत पाते हैं, विधायकी वहीं जीतते हैं जहां पार्टी जीत रही हो, और मुसलमान, अब मुसलमान जब मुलायम सिंह यादव जी के साथ गए तो उनमें तमाम बाहुबली पैदा हुए, उसके पहले मुसलमानों में बाहुबली नहीं थे, और इन बाहुबलियों के दम पर मुसलमानों का वोट भी लिया गया, लेकिन मुसलमान बदनाम भी हो गए, और इससे बीजेपी की जो एंटी मुस्लिम राजनीति है, जी हाँ, कोई कह सकता है कि एंटी मुस्लिम नहीं, जी है, एक भी टिकट आप नहीं देते हैं मुसलमान को, तो मैं क्यों ना कहूं कि आप एंटी मुस्लिम राजनीति करते हैं। अभी कल ही जो है राजस्थान में इनके एक विधायक ने प्रचार में बोला है कि इस इलाके के सारे मस्जिद गुरुद्वारे गिरा दिए जाएं, नहीं तो हमारे लिए नासूर बनेंगे, और जब उससे गुरुद्वारे के लोगों ने शिकायत की तो उन्होंने एक पत्र में लिखकर क्षमा मांग लिया कि गुरुद्वारा गलती से निकल गया, मैं तो मस्जिद और मदरसा बोलना चाह रहा था। ये तो भला हो कि गुरुद्वारे वाले और नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ये और शर्मनाक है कि आप हमें अलग करके केवल मस्जिद गिराने की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी धर्मस्थल के खिलाफ आप बात करेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा धर्मस्थल नहीं है, ये मुसलमानों का, और हम चुप हो जाएंगे, हम इसका विरोध करेंगे। हमें अपने सिख भाइयों से सीखना चाहिए कि वो इतिहास में जाकर वहां से कालिख नहीं ले आते, वो वर्तमान में अच्छा क्या हो सकता है, अच्छा अच्छी बात क्या हो सकती, इस पर चलते हैं। तो जरा देखिए कि जब तक मुसलमान ब्राह्मणों के साथ था, मुसलमान वोट दे रहा था और ब्राह्मण सत्ता में हुआ करते थे। जी हां, सत्ता के हर तरह के साधनों पर ब्राह्मण लोग थे। एक कारण यह भी था कि जब देश आजाद हुआ उस समय जो पढ़े लिखे कौमें थी वो दो थी, मुसलमान और ब्राह्मण। मुसलमानों में जो बहुत पढ़े लिखे थे उनमें से ज्यादातर लोग चले गए पाकिस्तान, तो अब आजादी के बाद केवल ब्राह्मण ही बचे जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और आगे थे। अपवाद और जातियों में थे, राजपूत लोग इसलिए पीछे थे क्योंकि वो रजवाड़े या जमींदार थे ज्यादातर संख्या में, तो इस नाते सत्ता प्रमुख तौर से ब्राह्मणों के हाथ में आई और उसका संचालन करने में सभी जातियों समाजों की भूमिका थी।
लेकिन 1989 और 91 का जो टर्निंग पॉइंट बना, उससे आज तक ब्राह्मण और मुसलमान मोटे तौर पर अलग अलग हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में हैं। यानी ब्राह्मणों को सत्ता पर बैठाया था मुसलमानों ने, लेकिन ब्राह्मण और मुसलमान जब अलग हुआ तो ब्राह्मण के हाथ से सत्ता चली गई, आज तक नहीं लौटी है। मुसलमान तब से लगातार सत्ता में है, बल्कि ब्राह्मणों के साथ था तो सत्ता के उतने ऊंचे स्तर पर नहीं था, लेकिन सपा बसपा में उसको ऊंचे स्थान मिले। मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं कि जो गलती हमारे लोगों ने की है वो दूसरे भाइयों आप लोग भी कर रहे हो। जब मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगा हुआ तो उस समय मैं बताता था कि जिस तरह से टेंट में बैठे हैं दंगा पीड़ित और जिस तरह से सरकार जो है सैफई में तमाशा कर रही है, ये ठीक नहीं, अमानवीय है। आप देखिएगा सितंबर अक्टूबर के आसपास में वहाँ पे जो एक कार्यक्रम सैफई में चला करता था, आम तौर पर वही हो रहा था। वैसे तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को यह सोचना ही नहीं चाहिए कि कौन सा वर्ग उसका वोटर है। चुनाव तक वोटर है, सत्ता में आने के बाद सब आपके अपने हैं, यही राजधर्म कहता है, राजनीति का धर्म यही है। लेकिन जब धर्म की राजनीति होगी तो फिर इसको नहीं सुना जाएगा। मैंने कहा था कि जाड़े में टेंट में बच्चा ठंड से बिलबिलाएंगे, मरेंगे, यही हुआ था। आप दिसंबर 2013 की न्यूज पढ़ लीजिएगा, जनवरी 2014 की न्यूज पढ़िएगा। यानी जिसके वोट से सरकार चल रही थी, सरकार जब उस पर हमला हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं साथ कैसे देंगे आप, आजम खान आज जेल में, जेल में, जेल में कैसे साथ देंगे मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आज अलग छोड़कर हट गए। और हद तो यह हो गई कि यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो लोग ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को मनुवादी, सामंतवादी कहते हैं, उनसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आपके अंदर मुसलमानों को गाली देने और लिंचिंग में शामिल होने का जो मनोभाव है, उसको मैं मनुवादी मानूं या सामंतवादी मानूं? मस्जिदों पर जो तलवारें लहराती हैं उसमें जातियां जरा गिन लीजिए, कितने ब्राह्मण मिलेंगे, कितने ओबीसी मिलेंगे, कितने दलित मिलेंगे, जरा गिन लीजिएगा एक दिन। इसी नाते ये वीडियो भले मैं मुसलमान और ब्राह्मण की दोस्ती पर बना रहा हूं, लेकिन इसका संदेश सभी वर्गों के लिए है। हद तो तब हो गई जब कोरोना में, जो एक वैश्विक महामारी थी, चाइना से आई थी भारत, और हमारे मीडिया ने बेशर्मी से इसका आरोप किस पर लगा दिया, विदेश से, दुनिया भर के मुल्कों से हमारे देश में तबलीगी जमात में आए मुसलमानों पर, और उनको 6-6 महीने, 8-8 महीने जेलों में ठूंस दिया गया, उन्हें बदनाम किया गया। कोई भी एक नेता नहीं बोल रहा था। ये तो भला हो कि देश में अदालतें तब ताकतवर थीं और सारे हाई कोर्ट्स में जहां जहां रिट पड़ी, इस तरह के मीडिया कवरेज को भी शर्मनाक घोषित किया गया। जिसको संदेह हो मुंबई हाईकोर्ट का फैसला देख ले कि ये निराधार और बेबुनियाद आरोप है, झूठे है, फंसाया गया है, और सबको बरी किया गया, सब अपने अपने देश लौटे। आज तक नहीं पता चला जो जांच बैठी थी वो कहां गई, तबलीगी जमात के मुखिया फिर आए तो उनको कौन सी सजा दी गई, आज तक कुछ पता चला नहीं पता चला। तो मैं एक बात एकदम साफ बता दूं कि अगर आप नफरत बोएंगे तो आप भी नफरत ही काटेंगे, चाहे आपका जाति, धर्म, लिंग कुछ भी हो। इस नाते नफरत मत बोइए। हो सकता है कि आज की नफरत आपको सूट कर रही हो, लेकिन जब नफरत का दौर चलेगा तो वहां आपके खिलाफ भी नफरत ही भड़का करके काम किया जाएगा। आप देखा करिए कि जो परिवार अपने पड़ोसी परिवार से हमेशा लाठी चलाता रहता है, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 10 भाई हैं, लाठी चला देते हैं, मारपीट कर देते हैं, एक समय के बाद वो भाई आपस में भी लठम लठई करके बात करते हैं, उनको सलीके से बात करना, प्यार का व्यवहार करना आता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने यही सीखा ही है कि अगर किसी से नहीं संबंध सही है तो उसको मारो पीटो, किसी से अगर मन नहीं मिल रहा तो उसको पीटो, उससे मार करो, यही वो सीखे होते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ब्राह्मण जैसी सबसे बुद्धिमान माने जाने वाली जाति, जिसको भारत में धरती का देवता कह के सम्मानित किया गया, आज भी किया जाता है बहुत जगहों पर, बहुत लोगों के मन में भाव है, अपने देवत्व को निभाने से पीछे रह गए। अगर लोग हमारे पर मनुवादी होने का आरोप लगा रहे हैं तो हम ही कहां इतना विराट हृदय का परिचय दे दे रहे हैं कि हम उन्हें खुद सोचने पर विवश कर दें कि नहीं, ये आरोप हमारे पर गलत है, और वो महसूस करें कि नहीं, हम सही हैं।
ये जान लीजिए कि चाहे जितना विरोध हो जाए, भारत में ब्राह्मण को आदर्श के रूप में देखा जाता है। इस नाते ब्राह्मण अगर गलत रास्ते पर चलेगा तो समाज पूरा का पूरा समाज गलत रास्ते पर चला जाएगा। इस नाते मैं अपने ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करता हूं कि भाईचारा बनाने में, भाईचारा निभाने में आपकी ज्यादा भूमिका होनी चाहिए। आपने इस भाईचारा को निभाया भी है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब कांशीराम जी और मायावती जी राजनीति करना शुरू किए थे कांग्रेस के विरोध में, उन्होंने नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, जो उस समय का इतना खतरनाक नारा था कि जैसे कोई चार भाई समाज में हो और छोटे वाले की उम्र 5 साल की हो और बड़ा वाला 18 साल का हो और 5 साल वाला इसके मुंह पे मुक्का मार दे। वैसा ही व्यवहार ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने किया था कि कुछ भी उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि ये सोच कर सह लिया था कि ठीक है, इनके साथ हमने अत्याचार किया है, अगर ये हमको गाली देकर अपना दुख और अपना क्षोभ, अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं तो शांत कर लें। लेकिन जब गेस्ट हाउस कांड हुआ और मायावती जी एक महिला के साथ जब अभद्र व्यवहार हो रहा था, उसमें सबसे आगे अतीक अहमद थे, सबसे आगे लफंगई करने में, तब ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बिना ये चिंता किए कि ये दोनों पार्टियां एक हैं कि अलग हैं, और वहां भीड़ थी, हजारों हजार की भीड़ थी, अकेले लाठी लेकर घुस गए थे, बहुत सी लाठियां उनको पड़ी थी और उन्होंने बचाया था। बाद में इसी कारण से उनका मर्डर भी हो गया। मेरे मन में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसे ब्राह्मण के लिए बहुत सम्मान है। मैं मानता हूं कि उन्होंने हमारे पूर्वजों को, जो इस भारत के लोगों ने देवता कहकर कभी सम्मान दिया था, उसकी कीमत चुकाया। तो आप एक बात जानिए कि आप जब तक सबको जोड़कर नहीं चलेंगे, तब तक आप भी सही रास्ते पर नहीं माने जाएंगे और फिर आप आदर्श के काबिल नहीं कहे जाएंगे। इस नाते इस इतिहास से सीखिए। और ये तो केवल मुस्लिम और ब्राह्मण का इतिहास मैं दिखा रहा हूं, हर जाति समाज का अपना अपना इतिहास है प्यार मोहब्बत का। हमारा भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हम सबको सम्मान देंगे, सबको प्यार देंगे, सबके साथ भाईचारे से रहेंगे। नहीं तो आज हम किसी को गाली देंगे, कल कोई हमें गाली देगा, आज हम किसी की तरफ लोगों को ललकारेंगे, कल कोई हमें ललकारेगा, यही होता रहेगा। और एक ध्यान से सुन लीजिए मुसलमानों से नफरत करने वालों, कि बिहार में जब जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं, उसमें मुसलमानों की भी सारी जातियां हैं। हमें कहीं कोई खिलजी, कोई मुगल, कोई मंगोल, कोई लोदी, कोई तुगलक नहीं दिखा। यानी जो आए थे बाहर से वो यहां राज किए और अपने बाद आने वालों के हाथों मार दिए गए, खत्म हो गए। मैं ये कह सकता हूं, मुगलों ने अगर भारत पर 300 साल तक राज किया तो अंग्रेजों से लड़कर पूरे के पूरे अपने को खत्म भी कर दिया। यानी आज जो भारत में मुसलमान हैं वो हमारे में से ही हैं। ये मुसलमानों को भी समझना चाहिए और हम सबको भी समझना चाहिए। सब एक बनकर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश विकसित होगा। और तब हम अपने वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि हमारे पास स्कूल कितने हैं, अस्पताल कितने हैं, हमें कहाँ पुल चाहिए, कहाँ सड़क चाहिए, किन गरीबों को मकान चाहिए, हम इन पर चर्चा करेंगे। और जब हम नफरत पे चले जाएंगे तो कौन किसको मारा, वहाँ कौन क्या था, हमारा सारा ध्यान इसी में भटक जाएगा। इस नाते सकारात्मक राजनीति की तरफ चलिए, एक दूसरे से जुड़िए, गले मिलिए, हाथ मिलाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।